नमस्कार, आज मैं अर्णव देवान, आईआईटी मुंबई का छात्र, आप लोगों को गति यानी मोशन के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गगनाएं सभी गतिमान हैं। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए, हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों के शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम व्यवस्था में पाता है। बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्त पथ पर गतिमान हो सकती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। ये सब हम दूसरे भाग में भी देखेंगे। बाद में हम वितरित गति के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें यह विषय क्यों पढ़ना चाहिए, यानी इस विषय को पढ़ने का हमें क्या लाभ है। जो पहला कारण है वह यह है कि हम इससे हवा की गति माप सकते हैं। हवा की गति मापना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई तूफान आता है तो हवा की गति से ही हमें इसके बारे में पहले पता चल पाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को तूफान के बारे में बता सकते हैं और काफी जाने भी बचा सकते हैं। जो दूसरा कारण है वह ये है कि जटिल गति में चलने वाले वस्तुओं के बारे में भी हमें इससे काफी जानकारी मिलती है। तीसरा कारण, धरती की चाल के बारे में भी हमने सीखने को मिलता है। और जो अंतिम कारण है वह ये है कि गाड़ियों की गति भी मापना हमें आता है इससे। अब आप सबको गाड़ियां तो बहुत ही अच्छी लगती होंगी, तो फिर हम जब ये बात करते हैं कि ये गाड़ी 1 से 60 किलोमीटर पर आवर की गति में कितनी जल्दी पहुंच सकती है, ये भी हम इस विषय से सीखते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु को का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बनाने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब हम सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले ये सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात ये उस पथ पर लौटती है और बी से
गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल दूरी OA प्लस AC है, अर्थात 60 प्लस 35 किलोमीटर यानी 95 किलोमीटर है। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक की विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? इस चित्र में दिए गए उदाहरण को लें। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन की परिमाण भी 60 किलोमीटर है। O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर है, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यदि P इस यात्रा में तय की गई दूरी OA प्लस AO यानी 120 किलोमीटर है। इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। एक समान गति और असमान गति के बारे में पढ़ेंगे। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले एक सेकंड में वह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर तथा तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समांतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। यहां पर मैंने थोड़े बहुत ग्राफ दे रखे हैं जिनमें असमान गति के उदाहरण दिए गए हैं। आप इन्हें देख के खुद सोचें कि ये कैसे असमान गति है। हम ये पढ़ेंगे कि गति की दर को कैसे मापते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है, यानी स्पीड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह मीटर्स पर सेकंड चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को
कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल समयावधि है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल v इज इक्वल टू s बाय t। आई इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय ये इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। सात चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग यानी वेलोसिटी कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाय 2 होता है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है अर्थात मीटर्स पर सेकंड होता है। अब हम वेग में परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन का माप है। अर्थात त्वरण वेग में परिवर्तन का भाग लिया गया समय से होता है। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, जहां a त्वरण है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है यानी एक्सेलरेटेड गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहां पर कुछ त्वरण के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जो गति है वह समय के साथ बदलती रहती है। किसी में वेग की दिशा बदलती है तो किसी में वेग का मान बदलता है। आज के भाग में हमने वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन और अन्य चीजों के बारे में पढ़ा। हमने गति की दर को मापने के बारे में पढ़ा और हमने एक समान गति और असमान गति के बारे में भी पढ़ा। हमने सरल रेखीय गति और हमें ये विषय क्यों पढ़ना चाहिए और इसके पढ़ने के लाभों के बारे में भी पढ़ा। आज के लिए धन्यवाद।